मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार ने की है बड़ी डिजिटल स्ट्राइक। भारत में 22 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिस पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज चैनल भी शामिल हैं इसमें। एक न्यूज वेबसाइट पर भी लगाया गया प्रतिबंध। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की है ये बड़ी कार्रवाई। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में फैला रहे थे झूठी बातें, जिसके बाद मोदी सरकार ने ये एक्शन लिया है। जो यहाँ ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार ने एक बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। इन 22 चैनलों में 4 YouTube चैनल जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, जिन्हें बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज चैनल भी शामिल हैं। एक न्यूज वेबसाइट पर भी लगाया गया है प्रतिबंध, जो कि गलत जानकारी दे रहे थे, अफवाह फैला रहे थे। आपको जानकारी दे कि मोदी सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में फैला रहे थे गलत गलत बातें। एक न्यूज वेबसाइट पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में 22 यूट्यूब चैनल पर यह बैन लगाया दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह की है बड़ी कार्रवाई। लगभग 22 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। अब आपको जानकारी दे कि इस पूरे 22 YouTube चैनल्स में 4 न्यूज चैनल पाकिस्तान के हैं और एक न्यूज वेबसाइट भी है जिस पर बैन लगाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत में 22 YouTube चैनल्स पर बैन लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है, एक डिजिटल स्ट्राइक इसे नाम दिया गया है। जो यहां आपको जानकारी दे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ये झूठी बातें हैं, झूठी अफवाहें जो है वो फैला रहे थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोहर जुड़े हुए हमारे साथ। मनोहर, 22 YouTube चैनल्स जिस पर बैन लगा दिया गया, यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया गया है। मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? 4 पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हैं और उसके बाद ट्विटर से अकाउंट है, एक फेसबुक अकाउंट है। इन तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है, भारत के से संबंधित कुछ ऐसी बातें थी जो फॉरेन पॉलिसीज थी, तो उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, फेक न्यूज को फैलाया जा रहा था। और ये भी बता दूं, सिर्फ अभी 22 नहीं, अगर हम लास्ट ईयर्स की बात करें तो 21 दिसंबर 2021 को भी 20 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया था, तो क्यों, और उनकी लिस्ट भी जारी किए गए थे। तो कुछ देर के बाद इन तमाम जो आज 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, इनकी भी लिस्ट आईबी मिनिस्ट्री जल्द से जल्द जारी कर दी। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी लिस्ट जो है वो सबके सामने पेश नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गलत बातें लगातार बताई जा रही थी, खासतौर पर तमाम बड़ी कार्रवाई के बाद जब ये एक्शन लिया गया, तो एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, गलत जानकारी दी जाएगी, तो मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी ये एक्शन लेने में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से गलत खबरें को प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा था, इसके खिलाफ एक सख्त कदम और एक सख्त संकेत लगातार आईबी मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कंटेंट्स डाले जा रहे थे, यूट्यूब चैनल्स में डाले, पिछली बार भी हमने देखा कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स, चाहे वो बिपिन रावत को लेकर के हो, कश्मीर इश्यू को लेकर के हो, या CAA को लेकर के हो, इस तरह के लगातार सोशल मीडिया पे सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ लगातार उस तरह के कंटेंट डाले जा रहे थे जिससे पब्लिक गुमराह हो रही थी, लोगों को सही मैसेज नहीं दिया जा रहा था। तो अब एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और 22 YouTube चैनल्स पर बैन लगाया गया है। ट्विटर अकाउंट्स है, फेसबुक है और वेबसाइट है, जो न्यू वेबसाइट है वो न्यूज वेबसाइट। और इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं, जो 4 पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, जिनके लाखों व्यूवर्स हैं, उस पर भी आज बैन लगा दिया गया है, ताकि इस तरह के कंटेंट को लोगों तक ना पहुंचाया जाए और केंद्र सरकार की जो छवि है और भारत की जो छवि है वो बरकरार रहे। जी
ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये देखिए, हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि आखिर कौन कौन से चैनल्स पे बैन जो है वो लगाया गया। आप देख पा रहे हैं साइड में किस तरीके से एक टैली के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो 22 यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, जिसमें 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी दे तो एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिस पर यह कार्रवाई हुई है, ये बैन लगा दिया गया है।